नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। तो करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। खबर भोपाल से, जहां आज PHQ पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ। पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस बैंड ने की मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगवाई। बताया गया कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से कमलनाथ ने बैठक ली। कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल किए गए पुलिस विभाग से संबंधित बिंदुओं पर कमलनाथ ने मोहर लगाते हुए पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ देने का ऐलान किया। पुलिस कर्मियों को अब मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। कमलनाथ ने कहा कि साप्ताहिक अवकाश को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा कमलनाथ ने सट्टा और जुआ को भी बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात भी बैठक में पुलिस अधिकारियों से कही। भोपाल से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए अनिल सक्सेना की रिपोर्ट। प्रेजेंटेशन लिया है अपने अपने प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है, अपने प्रदेश की छवि सबसे पहले पुलिस फोर्स से बनती है। अभी वरिष्ठ अधिकारियों से यही मैंने चर्चा करी है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश की छवि बने और इस छवि में पुलिस का सबसे बड़ा रोल रहता है। हर विभाग पुलिस के हर विभाग की जानकारी मैंने ली है और मैंने कहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि एक प्रेरणित फोर्स होना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे कॉन्स्टेबल तक। अगर ये इंस्पिरेशन ना होए, प्रेरणा ना होए, उनमें वो जोश ना होए, ऊपर ना होए तब नीचे तक नहीं पहुंचता। ये आज हमारी प्राथमिकता है। और कि कई ऑफिसर जो हैं 7 साल से एक जगह टिके हुए हैं, कुछ 5 साल से एक जगह टिका हुआ है, ये प्रथा मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यही मैं डीजी साहब से कल भी चर्चा करी थी कि ये करा जाए और जिसकी क्षमता है उस आधार पर हम सबको पोस्ट करें। ये नहीं कि मैं इसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये सब कम पसंद करते हैं। तो ये करके मैंने एक संदेश दिया कि ड्रग्स और सट्टा में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी। ज़ीरो टॉलरेंस, ये पूरी कार्रवाई करी जाएगी। ये ड्रग्स और सट्टा का जो है ये हमारा पहला कदम है। इसके बाद दूसरे कदम और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस फोर्स में एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा उत्पन्न होगी। समय समय पर मैं इस प्रकार की ब्रीफिंग देता रहूँगा क्योंकि पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ कम्युनल टेंशन की, हमारी प्रदेश की जो विभिन्नता है, हमारे प्रदेश की जो अनेकता है, इस सब को नज़र में रखते हुए हम उस दृष्टिकोण से तब टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए मैं एक अलग प्रेजेंटेशन करूँगा कि हमारी जो पुलिस फोर्स है बिल्कुल मॉडर्न होनी चाहिए। मैं पक्ष में हूँ, मैंने कहा है कि हमारा नियम होगा और डीजी साहब बना रहे हैं, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जिस आधार पर सांसदों को दिया जाता है ये तो नियम है, कोई गैर नियम तो है नहीं। कैसे शिवराज सिंह चौहान को भी मिलेगा? शिवराज सिंह चौहान को सबसे पहली फाइल मैंने साइन करी थी शिवराज सिंह चौहान को बंगला अलॉट करने की। कहाँ पे हुआ सर उन्हें बंगला अलॉट? क्या प्रोफेसर कॉलोनी में? मेरा उद्देश्य था और ये सब जगह है, अन्य प्रांतों में ये है। मैं कौन सी नई बात कर रहा हूँ, सब अन्य प्रांतों में, गुजरात में क्या है, सब जगह अन्य प्रांतों में है। पुलिस आवास की हमने अपने वचन पत्र में कहा है पुलिस आवास के बारे में, हाँ उसको ये इस पर चर्चा करेंगे। ये पुलिस कमिश्नर की पहले भी बहुत चर्चा हुई है, पहले भी इसमें अध्ययन किया गया है, अब फिर से किया जाएगा और जो उचित है मध्य प्रदेश के लिए आज के समय में। अगर 10 साल पहले नहीं उचित था शायद आज उचित हो, तो भविष्य को देख के हम इसको तय करेंगे। पुलिस के बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। आज पूरे अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारी पुलिस फोर्स कम है, हमारी पुलिस फोर्स का बजट कम है। ये तो अगर हम पूरे देश के आंकड़े देखें, ये भी मैं अभी पूछ रहा था, इस पर भी थोड़ी चर्चा हुई है, तो इसको हमें कम से कम
अन्य प्रदेशों से आगे तो न जाएं, उनके सम्मान तो हो जाए। आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर हंटर न्यूज। खबर इंदौर से, जहां आज भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर राफेल सौदे को लेकर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सभा के दौरान कहा गया कि राफेल सौदे पर जो असत्य आरोप लगाए गए हैं, उस पर प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित हुए। इंदौर से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए चेतन सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर हंटर न्यूज। खबर जबलपुर से, जबलपुर के पनागर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मोंटी शर्मा नामक इस आरोपी के ऊपर 2000 का इनाम घोषित किया था। मोंटी और उसके एक साथी ने एक माह पूर्व दो लोगों पर कातिलाना हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने मोंटी सहित दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। मामले में पुलिस धर्मेंद्र नामक एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन घटना के बाद से मोंटी फरार था, जिसे पकड़ने में भी पुलिस ने सफलता हासिल की। जबलपुर से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए अजहर खान की रिपोर्ट। सारे गुंडे और नेताओं से कर दी यार, जनता को परेशान मत कर, जनता जीना दुबाई क्यों। आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर हंटर न्यूज। समाचार शिक्षा जगत से, जहां आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने बोर्ड परीक्षाओं का टाइम घोषित कर दिया है, जिसके अनुसार 1 मार्च 2019 से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी, वहीं 2 मार्च से 12वीं की परीक्षा होगी। परीक्षा का समय सुबह 9 से 12 बजे रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।